Assalamualaikum K3 Nights. Now we start our law number 3 and law number 4. So third law is log a n raise n is equal to n log a n. ये हमने prove करने के left hand side और right hand side आपस में equal है. हमने left किया log a n raise n. इन left hand side को x के equal है p. अब इसको exponential form में convert करेंगे. तो ये base है. ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे x इधर और m raise n इधर, यानी a x equal to m raise n. अब यहाँ पे देखें तो जो इसकी राइट हैंड साइड थी log m, n को हमने नहीं लिया, log m को आपने y के इक्वल लेट किया. अब इसके बाद अब इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो आपके पास आ जाएगा बेस इधर ही देगी, ये दोनों इंटरचेंज y और m समझिए, यानी a y is equal to m, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी. देन अब a x equal to m n, ये जो आपने फाइंड किया था. अब देखें तो m की वैल्यू आपके पास a y थी, इसमें m m की वैल्यू की जगह a y रखेंगे, ये इसकी वैल्यू थी. देखें तो यहाँ पे आपस में इक्वल है, a y is equal to m है, तो a y n, यानी m की जगह a y हो गया. अब बेसिस जो सेम है, अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर को पावर के इक्वल रख सकते हैं. अब x is equal to y n या n y के भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए इनकी इनकी रियल वैल्यूज, ये तो हमने लेट की थी ना, इनकी रियल वैल्यूज पुट करते हैं. तो x की वैल्यू आपके पास थी log a m n, वो पुट कर दी. इसी के बाद n जैसे y का हमने लेट किया था log a n equal, log a n is equal to y. ये आपका थर्ड थ्योरम हो गया. फोर देखिए तो इसमें आएगा log a n is equal to log b n multiplied by log a b. इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा तब. अब देखिए तो log bn is equal to x, हमने राइट हैंड साइड के फर्स्ट टर्म्स को लिया है, log bn is equal to x. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये दो इंटरचेंज हो जाएंगे, bx equal to n taking log to base a. अब बेस a की जितनी वैल्यूज हैं उनका log ले लेंगे, log an is equal to log a bx, यानी n की जगह आपने bx पुट कर दिया, ये देखें n is equal to bx था. अब log an is equal to according to third law of logarithm, अभी आपने जो पढ़ा है पावर जो है वो log से पहले आ जाएगी, x log ab. अब यहाँ पे देखें तो x आपने लेट किया था log bn, x का log bn पुट कर देंगे तो ये आपके पास ये चीज जो है वो प्रूव हो गई, ये आपका थ्योरम प्रूव हो गया. अब देखें तो आप इसको इसको log n इसके इक्वल भी कर सकते हैं, इसको प्रूव करते हैं. तो इसी को यूज करते हुए देखें तो हम ये लिखते हैं कि जहां पे भी n है पुट n इज इक्वल टू a इन अबव रिजल्ट. अब जहां पे भी a होगा वहां पे n पुट कर देंगे, या n होगा तो उसके वहां पे a पुट कर देंगे. जैसे देखिए यहां पे n था तो यहां पे भी a पुट कर दिया, log a और a बेस भी है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है. इसी तरह log b n की जगह a पुट कर दिया, ये ऑलरेडी इसमें n नहीं था. अब यहाँ पे देखें log a बेस है और ये मल्टीप्लाई है, बेस और मल्टीप्लाई दूसरे से डिवाइड हो रहे होते हैं. जैसे देखिए मैं लिखा हुआ है नोट log बेस a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू log a ओवर a, इसको कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा 1. तो इसकी जगह आपने 1 पुट किया, इज इक्वल टू log b a मल्टीप्लाई बाय log a b. अब देखें तो यहाँ पे b a जो मल्टीप्लाई से फाइव को डिवाइड, मींस हम ये कह सकते हैं कि log a b इक्वल होता है 1 ओवर log b a के. यही आपको चीज प्रूव करवानी थी, इसकी मदद से हम ये भी लिख सकते हैं. जैसे देखें यहाँ पे log a n is equal to log b n डिवाइड में a तो log b a, यानी a b जो है आपका इनवर्स हो गया, यानी जो बेस थी वो मल्टीप्लाई हो गई, जो मल्टीप्लाई था वो बेस हो गया. तो ये थ्री और फोर थ्योरम आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपके पेपर में आ सकते हैं.